हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एके फार्म एंड केयर। दोस्तों, बरसात के दिनों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आंखों की होती है। आंखों में आंखों का लाल हो जाना या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होना, ये सब सारी समस्याएं लगी रहती है। हमारी आंखें बहुत ही नाजुक और संवेदनशील होती है। इसके साथ थोड़ी भी परेशानी हो तो तुरंत लक्षण दिखाई देने लगते हैं। आंख आना या पिंक आई आंखों से जुड़ी ऐसी एक सामान्य समस्या है जिसे चिकित्सीय भाषा में कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। यह एक्टिव या क्रोनिक दोनों के रूप में हो सकते हैं और 3-4 दिनों में अपने आप ठीक हो जाते हैं। दोस्तों, कंजक्टिवाइटिस क्या है, इसके क्या क्या लक्षण है, इसमें क्या क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है, इसके उपचार की बातें आज के वीडियो में हम करेंगे। कंजक्टिवाइटिस की पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो प्लीज प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूले ताकि जो भी नया वीडियो है उसे आराम से देख सके। कुछ बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण भी कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। वायरस और बैक्टीरिया दोनों ही होने वाला कंजक्टिवाइटिस संक्रमण होता है। संक्रमित व्यक्ति की आंखों से निकलने वाले डिस्चार्ज के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संपर्क में आने से भी यह फैल सकता है। संक्रमण का एक आंख या दोनों आंख में भी हो सकता है। यह काफी संक्रामक होता है जो बहुत तेजी से एक से दूसरे लोगों के बीच फैल सकता है, इसलिए यह लक्षण दिखे तो तुरंत सतर्क हो जाए। जैसे एक या दोनों आंख लाल होना, गुलाबी होना या आंखों में जलन या लगातार खुजली होना, सामान्य से अधिक आंसू निकलना, आंखों से पानी जैसा गाढ़ा डिस्चार्ज निकलना, आंखों में किरकिरी महसूस होना, आंखों में सूजन आ जाना, यह लक्षण आमतौर पर एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस ये कारण दिखाई देते हैं। अब हम बात करेंगे कंजक्टिवाइटिस क्यों होता है। दोस्तों, किसी भी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आने जिसे वायरल या बैक्टीरिया के कंजक्टिवाइटिस है, स्विमिंग पूल के पानी में मौजूद क्लोरोफिन के संपर्क में आने से भी होता है, या बरसात में मौसम चेंज करने से भी ये प्रॉब्लम हो सकता है या होता है। कॉन्टेक्ट लेंस का इस्तेमाल लगातार लंबे समय तक करने से वायरल कंजक्टिवाइटिस अक्सर एक आंख में होता है और कुछ दिनों में दूसरे आंख में भी फैल जाता है। हम बात करेंगे संक्रमण को फैलने से कैसे रोकेंगे। दोस्तों, अपनी आंखों को अपने हाथ से न छुए, जब भी जरूरी है अपने हाथों को धो ले। अपने तौलिए, रुमाल, तकिया आदि सामानों को दूसरे शेयर ना करें। अपने तकिए, कवर, तौलिए, रुमाल को हमेशा डिसइंफेक्टर से डेली धोएं। आंखों को ठंडे पानी से लगातार धोते रहे या 3-4 बार छींटे मारते रहे। हम बात करेंगे कंजक्टिवाइटिस के उपचार की। दोस्तों, बैक्टीरिया द्वारा संक्रमण के लिए एंटीबायोटिक सबसे उपयोगी उपचार है। बैक्टीरिया कंजक्टिवाइटिस में एंटीबायोटिक, आईमेट और आई ड्रॉप्स के प्रयोग से ही कुछ दिनों में यह समस्या दूर हो जाती है। एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस की आंखों में सूजन भी आ जाती है, इसलिए इसके उपचार में एंटी हिस्टामिन आई ड्रॉप के साथ एंटी इन्फ्लेमेटरी आई ड्रॉप भी दी जाती है। सिप्लोक्स आई ड्रॉप को भी आप यूज कर सकते हैं। क्लोराफेमेनिकोल आयोनमेंट लगाने से भी आंखों की समस्या दूर हो जाती है। बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस में एंटीबायोटिक्स, आयमेंट और कई आई ड्रॉप्स का प्रयोग दिन में दो से तीन बार की जाती है। इसके अंदर ही आपकी समस्या ये दूर हो जाएगी। क्लोरोफेनिकोल उन जीवाणुओं के विकास को रोककर उनका खात्मा करता है जो संक्रमण पैदा करते हैं। क्लोरोफेनिकोल एक शक्तिशाली व्यापक स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जो कई प्रकार से ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के विरुद्ध कार्य करता है। यह संवेदनशील बैक्टीरिया को मारता है और प्रॉब्लम को ठीक करता है। सिप्लोक्स आई ड्रॉप एक ऐसा एंटीबायोटिक है जो इन्फेक्शन को दूर करता है, साथ ही साथ आंखों को ठंडक पहुंचाता है। सिप्लोक्स के साथ आप यूज कर सकते हैं, साथ में आप ठंडे पानी का छींटा लगातार मारते रहे और इन्फेक्टेड आदमी से आप, जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है उसे आप दूरी बना के रखें। अगर आपको प्रॉब्लम आ गया हो तो काले चश्मे का प्रयोग करें, जिससे आपका जो बैक्टीरियल संपर्क दूसरों को ना पटे। दोस्तों, कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।